अभी पवन के शिष्य टीकमगढ़ की तरफ से हमारे बड़े भैया रमेश भाई जी का एक आदेश आया, जो कि हमारे पवन कैसेट के युवराज दीपक भैया ने मुझे बताया कि दाऊ साहब एक गारी विधा, वो भी बेटी की विदाई। भैया रमेश जी पवन कैसेट से प्रसारित करना चाहते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, अभी लिखा है, कोशिश करता हूं आप लोगों की सेवा में देने के लिए। तो कहना है, अगर रजनी जी 5 मिनट के लिए साथ देने के इच्छुक हो, तो रमेश भैया जी के आग्रह है कि रजनी जी और दाऊ साहब इस गीत को साथ में निकाल दें। आ जाओ आ जाओ, खानदानी। जय हो, बोलो काली माता की जय। तनक देर में फिर ये क्या बात है। कि जिसके घर में बेटी नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने, और जिसके पाँव में जख्म नहीं वो पीर पराई क्या जाने। यथार्थ सत्य कह रहा हूं, इस गीत को वही सुने जो वास्तव में एक बेटी का पिता या एक बेटी की माँ हो। क्या बात, जब एक बेटी की विदाई होती है खुशी का माहौल होता है, लेकिन एक माँ उसके मन में क्या बात चलती है, वो इस गीत के माध्यम से आपके बीच में देने जा रहा हूं। जो भी गलतियां हो जाए उसको क्षमा कीजिएगा। कहना है कि छाती भीतर से फट रही मताई की, बहुत ही करुणा भरी बात है लेकिन सत्य है। कि छाती भीतर से फट रही मताई की, जो घरी आई शुभ विदाई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, घरी आई शुभ विदाई की। जब मैंने गीत लिखा, मुझे भी अपनी गुड़िया अपनी बेटी की याद आई, तो कहना हुआ कि काल हाथी जो गुड़िया रानी, बिल्कुल छोटी सी बच्ची, काल हाथी जो गुड़िया रानी कैसे हो गई आज से आनी, बाप मताई ने ना जानी। उस बेटी के माँ बाप को ये पता नहीं चला कि हमारी बच्ची कब बड़ी हो गई, इसीलिए कहना पड़ा काल हाथी जो गुड़िया रानी कैसे हो गई आज से आनी, बाप मताई ने ना जानी।
सो मोरी बिटिया है हाँ, मोरी बिटिया है शोभा अथाई की, हरी आई शुभ विदाई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, हरी आई शुभ विदाई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, हरी आई शुभ विदाई की। जैसे ही दरवाजे पे बारात आ गई तो बिटिया की मताई का सोच रही, देखें आप कह रही कि अनजाने परदेसी आ गए, अनजाने परदेसी आ रहे, जे बिटिया का बहू बता रहे, मोसे मोरे प्राण मंगा रहे। वह मताई कह रही कि जे बिटिया नहीं हमारे प्राण हमसे मांग रहे, ऐसे कही अनजाने परदेसी आ रहे, जे बिटिया खा बहू बता रहे, मोसे मोरे प्राण मंगा रहे, और के डोर कैसे थमाओ आत जाई की, जो मोड़ी अपने कोख से पैदा करी उखा दूसरे के हाथ में कैसे दे दे आज, ऐसे मताई कह रही के डोर कैसे थमाओ आत जाई की, धरी आई शुभ विदाई की। हमारी बड़ी बहन माधुरी जी की तरफ से 51 रुपए इसी लाइन पे आए हैं कि डोर कैसे थमाओ आत जाई की। बहन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद की कामना करते हुए अगली पंक्ति में कहना है कि मोरी बिटिया है नादान, बताई सोच रही मोरी बिटिया है नादान, रिश्तेदार मिले अनजान, कैसे का हुई है भगवान, मोरी बिटिया है नादान, रिश्तेदार मिले अनजान, कैसे का हुई है भगवान, के कदर कौन करे कोमल कलाई की, हाँ कदर कौन करे कोमल कलाई की, घरी आई शुभ विदाई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, घरी आई शुभ विदाई की, छाती भीतर से फट रही मताई की, घरी आई शुभ।
बिल्कुल अंतिम बात जो कि हमारे पवन कैसेट के प्रोपराइटर हमारे बड़े भैया रमेश जी जिन बातों को पसंद करते हैं, जिन बुंदेली पारंपरिक धुनों को, पारंपरिक विधाओं को पसंद करते हैं, उनके अनुसार अंतिम बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ईश्वर कैसी रीत बनाई मताई सोच रही। एक तो कुछ कह नहीं पाऊं, अगर कहते हैं तो जग हंसाई है और सब जने जाके के आखिर जा मताई चौथ का मस्ताना जी। हेलो, और इस गीत के बाद श्री प्रभुदयाल सरोती जी मंच पर आने की कृपा करें। धन्यवाद, जय हो, स्वागत है तुम्हारी, जय हो जाए तुम्हारी। तुम तो आदो तो समय खास कर। और हमारे मधुर लोक संगीत ग्रुप के चहेते कलाकार भैया सुनंद मस्ताना दूर से बैठ के 500 का नोट दिखा रहे और कह रहे दाऊ साहब जो बोल दो, उदार हैं लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मस्ताना जी की तरफ से 500 रुपए हम स्वीकार करते हैं। और क्या वो है के ईश्वर कैसी रीत बनाई और रोना पावे बाप मताई, ओ बिटिया हो रही आज पराई। ईश्वर कैसी रीत बनाई रोना पावे बाप मताई, बिटिया हो रही आज पराई। सुधीरु राजा है बात कठिनाई की, ये धीरु राजा है बात कठिनाई की, खरी आई शुभ विदाई की। छाती भीतर से फट गई मताई की, खरी आई शुभ विदाई की। छाती भीतर से फट गई मताई की, खरी आई शुभ विदाई की। छाती भीतर से फट गई मताई की, खरी आई शुभ विदाई की।